Radha Giridhari Radhe, Jayo Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath. जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरिबोल 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 नित्य गौर हरिबोल 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय श्री श्री राधा गिरिधरी ललिता विशाखा देवी की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की जय शिशु गौर निताय गौर सुंदर भगवान की जय नरसिंहदेव भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय वृंदा देवी की जय समवेद गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले क्षयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्वदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंचा कल्पतरुर्विश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बाष्पादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को स्वागत है श्री श्री राधागिरी धरी मंदिर में। तो गीता पाठ होगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7। इस अध्याय के नाम है भगवद ज्ञान और श्लोक क्रमांक है 4। तो श्लोकों के शब्द इस प्रकार से हैं, बोलिए मेरे साथ। भूमि पृथ्वी आपह जल अनलह अग्नि वायु वायु कम आकाश मनह मन बुद्धि बुद्धि एव निश्चय ही च तथा अहंकार अहंकार इति इस प्रकार यम ये सब मैं मेरी विन्या पृथक प्रकृति शक्तियाँ अष्टदा 8 प्रकार की। तो इस प्रकार उच्चारण करेंगे श्लोक मेरे साथ, बोलिए। भूमिर अप अनल वायु भूमि आप अनल वायु कम्मन बुद्धिरेव च कम्मन बुद्धिरेव च अहंकारिति इयम् मे विन्या अहंकार इति यम् मे विन्या प्रकृतिर अष्टदाम विन्या प्रकृति अष्टदाम भूमिर आप अनल वायु कम्मन बुद्धिरेव च भूमिर आप अनल वायु कम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम् मे विन्या प्रकृतिम अष्टदा अहंकार इति यम् मे विन्या प्रकृतिर अष्टदा। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल अवय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भूमि अनुवाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी विन्ना अपरा प्रकृति है। मेरे साथ बोलिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी विन्या अपरा प्रकृतियां है। तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियां का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सत्त तंत्र में उल्लेख मिलता है विष्णु स्तोत्राणि रूपाणि पुरुषाकान्यतो विदो एकम तो महत् श्रेष्ठ द्वितीयम तंड संस्थितम तृतीय सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भदक्षयी विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं।
तृतीय शिरोदक्षय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा रूप में फैले हुए हैं और परम आत्मा कहलाता है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियां में से एक क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भुक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेष वादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परब्रह्म में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसे ही भिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। अतः यथार्थ परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंग शक्तियां होती है। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश स्थूल तथा विराट सृष्टिया कहलाती है। जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है किंतु अन्य 3 तत्व को जिनके नाम मन बुद्धि तथा अहंकार है भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलाप से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते हैं। मित्त अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रिया का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हुए जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियाँ की उपशाखाएं है और उनसे भिन्न है किंतु नास्तिक सांख्य दर्शन अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत करते हैं श्री श्री राधागिरिधारी मंदिर में। तो इस अध्याय का जो विषय है भगवत ज्ञान। पिछले अध्याय 6 अध्याय था जिसमें बताया किस प्रकार भगवान का ध्यान लगाया जाए, ध्यान योग। तो ध्यान लगाने से पहले ये पता होना चाहिए ना मैं किसके ध्यान करूं, है ना। जैसे कि आपको अगर बताया जाए कि आप कुछ सोचो तो आप बोलेंगे ना मैं क्या सोचो, बताओ क्या सोचो बताइए। तो कोई तो विषय होना चाहिए ना सोचने के लिए, कोई तो रूप होना चाहिए सोचने के लिए, वस्तु होना चाहिए। ऐसे तो लोग सोचते ही है पत्नी के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, कुत्ते के बारे में, बिल्ली के बारे में, घर के बारे में,
मामा के घर, बुआ के घर, इस प्रकार दिन भर कोई ना कोई हम लोग सोचते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरे बारे में सोचो। अब मानो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मैं कैसे सोचो आपके बारे में? आपके बारे में पता होना चाहिए ना कि आप कितने महान हो। तो भगवान कहते हैं तो मेरा महानता को सुनो। तो ये सातवां अध्याय जो है भगवान की महानता के बारे में चर्चा हो रहा है। और आज के श्लोक इतना सुंदर है, इसमें कहते हैं भगवान कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसको कहते पंचो महाभूत, मन जो हमारे अंदर ही है, सबके पास है मन बुद्धि, और फॉल्स ईगो। भगवान कहते हैं कि ये मेरा ही शक्ति है, भगवान का ही शक्ति है। तो कौन सा शक्ति है? बिन्ना शक्ति, उसको कहते अपराशक्ति। अपराशक्ति का मतलब है कि भगवान के ये माया शक्ति है। भगवान के तीन प्रकार के शक्ति है, एक है माया शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति जिसका अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी, और तीसरा शक्ति जो है तटस्था शक्ति जो हम सब जीव है। तो तीन प्रकार के शक्ति है। तो ये जो सृष्टि बनाया गया है ये माया शक्ति के द्वारा, इसमें माया शक्ति है उपादान के रूप में, और फिर उसमें आत्मा को डाल दिया गया है। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। माया शक्ति और तटस्थ शक्ति को जब एक साथ में जोड़ दिया जाता है तो फिर वो जीव चलने लगते हैं, बलने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मानो किसी कार का मॉडल बनाया गया है, बाहर का सब कुछ ठीक है पर उसमें इंजन नहीं है, मशीन नहीं है, तो क्या वो चल पाएगा? है ना? तो उसी प्रकार ये जो हमारे शरीर है, ये शरीर भौतिक शक्ति के द्वारा बनाया गया है और उसमें डाल दिया गया है जो भगवान के तटस्थ शक्ति जो हम सब है, जिसको कहते आत्मा। और हम सभी का ये अनुभव भी है कि रतन टाटा एक दिन इस देश के एक गिने चुने व्यक्ति में था। बोलते थे, बातें करता था, लोगों से मदद करता था, बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत स्रोत था कि लोगों को एक प्रेरणा मिलता था कि हाँ रतन टाटा कुछ बोलेंगे तो हम सुनेंगे। पर जब रतन टाटा, असली रतन टाटा जो अंदर था, वो जब चले गए तो फिर और कुछ बोलने लगे। यस या नो? हाँ। तो जो अंदर था वही भगवान के तटस्थ शक्ति, ये भी आध्यात्मिक शक्ति है जो आत्मा है, जो हम सब है। और जिस दिन आत्मा ये शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ बलते नहीं है। दुनिया के सभी शक्ति लगा दिया जाए कि ये व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जाए, फिर भी वो जीवित नहीं हो सकता है। ये कितने बड़ा सत्य है जरा सोच के सोचिए। रतन टाटा जैसा व्यक्तित्व को जीवित नहीं रखा गया है, नहीं रख पाया है, नहीं रख पाया है। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है फिर भी नहीं है। तो ये स्थिति हम सबके साथ होने वाला है भविष्य में। तो हम फिर से मूल विषय में आते हैं कि ये जो आठ जो भौतिक उपादान है ये भगवान के माया शक्ति है। आत्मा केवल आत्मा के रूप में नहीं चल सकता है, उसको शरीर चाहिए। ये आत्मा को दो प्रकार के शरीर मिलता है, एक तो इस जगत में जो माया शरीर जो मिला है हम सभी को, वो एक शरीर है, और अगर भगवान के धाम चले जाएंगे तो आध्यात्मिक शरीर उसको मिलेगा।
जो दिव्य शरीर है, जो कभी मरेंगे नहीं है, बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बीमारी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के शरीर आध्यात्मिक लोक में मिलता है, पर इस जगत में जो शरीर मिला है वो भौतिक है। हमारे शरीर में मिट्टी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, मन बुद्धि अहंकार है, ये 8 वस्तु ही है हमारे शरीर में, और ये सभी वस्तु भगवान की है। अब बताइए यह शरीर किसका हुआ, बताइए किसका हुआ? यह शरीर भगवान का शरीर है। ये शरीर भी हमारी नहीं है, फिर भी कितना बड़ा इल्यूजन है इस संसार में, मेरा मेरा कहते हैं लोग। जब बच्चे छोटा होते हैं तो माँ कहते हैं मेरा बेबी है, फिर थोड़ा सा और बड़े होने लगते तो पिताजी कहते मेरा जो है बेटा है बेटी है, पिता की गोद में जाते हैं। फिर और थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो फिर भाई बहन कहते मेरा भाई बहन है, फिर मित्र कहते मेरा मित्र है, फिर पत्नी कहते हैं कि ये मेरा पति है, ऑफिस में जाते हैं मालिक कहते हैं कि ये मेरा जो है वर्कर है, एम्प्लॉय है, जो भी है अलग अलग नाम से मेरा आदमी है। फिर वही व्यक्ति जब बच्चा का जन्म दे देते हैं तो फिर कहते हैं ये मेरा माता पिता है, और आखिर में शमशान में अग्नि कहते कि ये मेरा है, अगर हिंदू है तो मैं अभी उसको जलाऊंगा, मुसलमान है तो कीड़ा कहते हैं कि मैं उसको खाऊंगा, अभी इसने बहुत पिज्जा पास्ता ये सब खाया है, अभी मैं खाऊंगा उसको, अभी मेरा है, मेरा अधिकार है। और मान लीजिए कि एक्सीडेंट होके मर गया है रास्ता में और किसी ने देखा नहीं है, तो शियार बोलता है, कुत्ते बोलता है कि मेरा है, ये मेरा भोजन है, यही शरीर है। कितने सारे लोगों ने उसका जो है मालिकाना किया कि ये मेरा है मेरा है, वास्तव में ये शरीर किसका है? शरीर किसी का नहीं है, केवल भगवान का है। मिट्टी से शरीर बना है, मिट्टी बन जाएंगे, अग्नि से शरीर बना है तो अग्नि बन जाएंगे, है ना। जब किसी को जलाया जाता है तो राख बनता है तो वो मिट्टी हो जाएंगे, पानी पानी में चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। जो हमारे शरीर में अग्नि है तो अग्नि में मिल जाएंगे, जो आकाश तत्व है वो आकाश तत्व में मिल जाएंगे, जो वायु हमारे अंदर है वो वायु में मिल जाएंगे। तो बचा किसका है? किसी का नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि वास्तव में ये शरीर किसी का नहीं है, केवल भगवान का है, भगवान का है। बोलेंगे दुनिया में मिट्टी का कुछ कमी है, हमारे खुद के घर में बहुत सारा मिट्टी है, पानी है, तो बना लीजिए एक दूसरा एक मनुष्य बना लीजिए। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक साइंटिस्ट आया, स्वामी जी हम नहीं मानते हैं कि आत्मा है करके। प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या मानते हो बताओ, कहते ये सब जो है रसायन से बना है, कोई जो मिट्टी उट्टी से बना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक मनुष्य आप बनाइए, हम आपको रसायन देंगे, 70 kg चाहिए, 80 kg चाहिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, बनाइए। अब बना पाएंगे? तो उससे कोई उसका कोई जवाब नहीं है। प्रभुपाद जी कहते मनुष्य तो छोड़िए, एक मेंढक बना दीजिए, मेंढक कहते हैं ना, हाँ वो बना दीजिए, वो भी नहीं बना सकते हो, नहीं तो फिर इस बात को मानो कि ये भगवान के द्वारा बनाया गया है और किसी के द्वारा नहीं है। हमारे साइंस इतना प्रगति कर रहा है लेकिन आज तक तो किसी को जीवित नहीं कर पाया, ना तो भविष्य में कर पाएंगे। किसी को जीवित करने का तो छोड़ो, क्या ब्लड बना पाया आज तक? बना पाया क्या? शरीर का जो स्किन है वो बना पाएंगे? मांस बना पाएंगे? क्या बना पाएंगे? प्लास्टिक का हड्डी है, उसके आगे कुछ नहीं है, क्या बना पाएंगे? इसीलिए तो कहते हैं कि ब्लड दीजिए आपको पुण्य मिलेगा,
भविष्य में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास आज तो कोई साधन नहीं है कि ब्लड बना सकते हैं। शरीर के जो अंदर के जो चीजें हैं, एक भी वस्तु जो है साइंटिस्ट आज तक बना नहीं पाया, ना तो भविष्य में बना पाएंगे। केवल उसको थोड़ा सा जो है क्या कर सकते, बेंडिस वगैरह कर पाएंगे, थोड़ा सा स्क्रू लगा दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर इस बातों को सभी साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, पढ़ा-लिखा लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सृष्टि भगवान की है, भगवान ने ही बनाया है और भगवान का ही सेवा में लगाना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है, अरे हम तो आपके जैसा नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी हो, मंदिर में रहते हो, दिन भर भक्ति कर पाओगे, पर हम कैसे करेंगे। पर अर्जुन के ज्यादा नहीं है, तीन पत्नी था, कितना? तीन। आप लोगों के पास कितना है? एक हो गया तो बहुत बड़ी बात है, एक को भी कोई संभाल नहीं पाते हैं, कभी कभी पत्नी को छोड़ के भागना पड़ता है, ऐसा भी है। बाइक और कोई है, पत्नी और कोई है, और पति और दूर देश में है, भाग जाते हैं, ऐसा समाज में घटना घटते हैं, क्योंकि एक पत्नी को संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन अर्जुन के पास तीन पत्नी था। हम लोग छोटा मोटा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, पर अर्जुन एक राजकुमार था, बल्कि युधिष्ठिर महाराज राजा था, लेकिन सारी जिम्मेदारी अर्जुन के सर पर था। यज्ञ करना है तो दान कहाँ से लाना है? तो अर्जुन लाएंगे। इसलिए अर्जुन के नाम गीता में आया है, एक सुंदर नाम आया है, धनंजय। क्या नाम आया है? धनंजय। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को जब जब यज्ञ करना था तो सब संपत्ति, जो भी पैसे का जरूरत है, तो अर्जुन लाता था। तो कितने बड़ी जिम्मेदारी है। जब जब पांडव के ऊपर संकट आया है तो सबसे पहले अर्जुन। तो अर्जुन इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अर्जुन भगवत गीता पढ़ता था, भगवान की भक्ति करता था। तो भक्ति जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, केवल उसके लिए हमारे मानसिकता होना चाहिए, हमारे मनोवृत्ति होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं तो कर सकता हूं। भक्ति का मतलब क्या? सुबह शाम भगवान को दे दो, दोपहर के समय जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए दे दीजिए, इतना ही तो करना है। भगवान ने कहा बोला है कि सबको छोड़ चार के, अर्जुन बोल रहा था कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, भगवान कहते मूर्ख नहीं, तुम राजा हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारियां है, नहीं युद्ध लड़ो, लोगों का रक्षा करो, समय आने पर ले लेना, जो उम्र हो जाएगा 50 साल से ज्यादा तब जाके संन्यास ले लेना, कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार, तो अभी तक हमने क्या चर्चा किया, ये शरीर भगवान का है, किसका है? भगवान का है, और भगवान का ही सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम भगवान के शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो अंतिम समय में बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट है न्यूटन ने क्या बोला, प्रत्येक क्रिया के एक प्रतिक्रिया है। ऐसा नहीं है कितना भी माला जप लीजिए, भक्तों को परेशान करेंगे, दुनिया के लोगों को परेशान करेंगे, भगवान उसका माला जप सुनेगा ही नहीं है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के एक प्रतिक्रिया तो है, वो कोई भी हो। एक उदाहरण मैं देता हूं, भीष्मदेव इतने बड़े भक्त था, लेकिन आखिर में उनको बाणों के शैया में लेटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने तो पूरा जीवन भक्ति किया और मैंने तो कोई पाप नहीं किया, पर फिर भी मैं बाणों के शैया में क्यों? तो भगवान कहते हैं, भीष्मदेव याद करो, कितने जन्म के बारे में याद कर सकते हो? तो कहते 50 जन्मों का याद है, कोई पाप नहीं किया। उसके आगे कहते हैं, उसके आगे प्रभु याद नहीं है। तो भगवान स्मरण दिलाते हैं अपने दिव्य शक्ति के द्वारा, कहते तुम 50 जन्म पूर्व भी एक राजा था और रास्ते से जा रहा था, तुम
किसी जो है रथ के ऊपर सवार होके जा रहा था और उसी समय जो है एक सांप रास्ता में था और आपने उसके भलाई के लिए तीरों के द्वारा जो धनुष का तीर होता है ना, तीरों के द्वारा आपने उस सांप को फेंक दिया था रास्ते के बाहर ताकि उसके ऊपर रथ ना चढ़े या कोई उसका नुकसान ना हो, लेकिन वो सांप गिर गया था जाके काटा वाला जार पे। किसमें? काटा वाला जार पे, काटा वाले जार पे गिरा। यही तुम्हारा जो है 50 जन्म पूर्व कुछ गलतियां था, वो भी अनजान में, जिसके कारण तुम बानों के शैया में हो। तो कर्म कभी भी इतना आसानी से कटेगा नहीं, वो भी जो जानबूझ के अगर गलत करेगा उसको तो भगवान कभी छुरेगा ही नहीं, उसको तो सबक सिखा के छुरेगा। तो कहने का मतलब है, भगवान ने जब शरीर दिया है और ये शरीर के द्वारा जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भक्ति के केवल दिखावटी के लिए भी करेंगे तो भी कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति जो है, भक्ति करने से पहले ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति तो अपराध नहीं कर रहा हूँ ना, किसी का तो मैं निंदा चर्चा नहीं कर रहा हूँ ना। वो भी अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई करेगा तो उसका तो हजार गुना और दोष लग जाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को ये शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहिए और हमेशा बचना चाहिए कि किसी भी जीव के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। अगर हो जाता है तो उससे क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि हर एक गलती का एक रास्ता भी है, क्षमा मांग लेने से क्षमा हो जाता है। तो इसीलिए आप सभी से वही निवेदन करूंगा कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये बार बार मिलेगा नहीं है। भक्ति जो है बड़ा अनुभव की विषय है, अगर आप करोगे तो उसका अनुभव होते जाएगा। ये कोई भावुकता नहीं है, सेंटिमेंटल नहीं है कि किसी ने बोला है इसलिए मैं कर रहा हूं। आप जब स्वयं करोगे, भगवान के नाम जपेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो स्वयं ही आप सुख का शांति का अनुभव करोगे और ऐसा लगने लगेगा कि मैं कितना नीच व्यक्ति हूं। भक्ति का सबसे पहला जो है उसका जो साइड इफेक्ट है, अच्छा साइड इफेक्ट है, भक्ति करने से व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं कितना गंदा व्यक्ति था, मैं कितना गंदा हूं। क्यों? क्योंकि गंदा व्यक्ति मैं हूं ये बात कब समझ आता है? जब व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरा कोई दोषी नहीं है। हालांकि वो खाएंगे नॉनवेज, लेकिन फिर भी बोलेंगे मैं एकदम दिल का साफ अच्छा व्यक्ति हूँ। भाई खा क्या खा रहे हो आप? दूसरे को मार के खा रहे हो तो और दिल का साफ अच्छा व्यक्ति कैसा हो गया? तो कहने का मतलब है, भक्ति करने से व्यक्ति का जो है हृदय शुद्ध होने लगता है और व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा विनम्र करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग भगवद गीता रोज पढ़िए, भगवान के नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए मैं हर संडे क्लास लेता हूँ, हमारा ग्रुप है जिसमें हम भक्ति सिखाते हैं। जैसे कि अभी कार्तिक के मास आ रहा है, 17 तारीख से शुरू हो रहा है पूर्णिमा के दिन से, तो दीपदान करना चाहिए घर में, अलग अलग विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछले संडे जो हमारा क्लास था कि कार्तिक मास में भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। पुराणों में ऐसा बताया गया है, कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति भगवान को दिया दिखाते हैं तो उसके 14 पीढ़ी नरक से जो है स्वर्ग में चले जाते हैं। व्यक्ति जो है वैकुंठ धाम जाने के अधिकारी बन जाते हैं। कोई व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान का परिक्रमा करते हैं तो एक एक पग पग पे
अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक मास में कोई व्यक्ति सुबह स्नान कर लेते हैं 5 बजे 6 बजे उठ के, तो उसको स्नान करने से सभी तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है। इतने बड़े लाभ है कार्तिक मास में भगवान के भजन भक्ति करने का। तो हम लोग विस्तार से जो है एक एक चीज हम लोग चर्चा करते हैं कैसे भक्ति करना चाहिए। और इस प्रकार हमारा संडे क्लास होता है, हम लोग धाम यात्रा भी जाते हैं। अभी वृंदावन में जा रहा हूँ नवंबर में। तो जो भी मेरे से जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं प्रतिदिन गीता क्लास भी लेता हूँ ऑनलाइन में 8 से 9, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं दो बार बोलूँगा 86, लिख लिया आपने, फिर से बोलता हूँ 86 93 833 526, रिपीट करता हूँ 86 93 833 526। मेरा नाम है बद्रजीवन दास, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में हरे कृष्णा आपके नाम के साथ, मैं ग्रुप में ऐड करूँगा। हरे कृष्णा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।